एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज की शुरुआत हम करते हैं किचन से। और आज वेदांत ने निकाला है मक्खन, बटर, होममेड बटर निकाला है। तो काफी मशक्कतों के बाद, मशक्कत क्या की है मैंने, कुछ मशक्कत नहीं की है मैं, ऐसे बस कंटेंट के नाम पे आजकल के लोग कुछ भी कर रहे हैं। ओके, कंटेंट के नाम पे आज के लोग कुछ भी कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे वेदांत ने अच्छा खासा छाछ भी निकाल दिया है और बटर भी निकाल दिया है, जिसका हम बनाएंगे मक्खन, घी, मतलब मक्खन नहीं, मक्खन तो ये है ही, घी बनाएंगे अब इसका। अब कैसे कैसे डाल देना। हाँ, आप इसको ऐसे कैसे पोर कर दे। ग्रेट, बटर आ गया पूरा ऊपर और छाछ चली गई है। हालांकि देखो, मैं तो ऐसे करती नहीं हूँ, मैं तो डायरेक्ट ही हाथ से करते हैं हम तो, पर वेदांत अभी नए नए खिलाड़ी हैं तो ये इस तरीके से करेंगे, ऐसा ना हो कि बटर बाहर आ जाए। फिर अपना ये पकड़, थोड़ी हेल्प करती हूँ मैं तेरी। अरे 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 अरे, ऐसे नहीं, देखा देखा छाछ अटक गई है उसमें, नीचे गिर जाएगा अगर ऐसे करेगा तो। देख, नीचे गिर गया। ऐसे छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। ऐसे नहीं वेदांत, ऐसे नहीं बोला था, ऐसा मत कर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। पर ये बोला नहीं, मुझे तो मेरे हिसाब से करना है। मैं तो मैंने अपने हिसाब से करूंगा मैं। हाँ, अपने हिसाब से करेगा तो खाली बटर निकाल लेता, छाछ उसमें रहने देता, तो इतनी बढ़िया छाछ निकली है, होममेड। ये छाछ है? हाँ, जिसको बटर मिल्क बोला जाता है, वो हो गया अपना बटर। आप इसको खा भी सकते हो और ये भी निकाल सकते हो जैसे भी है। चाट ले बटर, जो आज हमारे जो रसोई में है ना, जो शेफ वेदांत है, पता नहीं क्या चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मेरे मना करने के बावजूद भी इसने नौटंकी शुरू कर दी अपनी। यहाँ पे ये वेटिंग मशीन से इसने पहले तो करा दूध का वेट, जो 1 किलो दूध लिया है, और इसका इसने एक छोटा सा, आप लोग को पता चल रहा होगा ये क्या है, गैस करके बताओ जल्दी से। यस, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, ये है रसगुल्ला, जिसकी चाशनी एक तरफ इसने बना दी है शुगर वाटर वाली। और यहाँ पे ये काफी देर से जो पनीर इसने फाड़ा था, इस तरीके से इसको कर रहा था मैश। मतलब जितना भी आपको गुस्सा आ रहा है ना, सब निकाल दो इस पे। आपकी जिस जिस बंदे पे, आपका अपनी गर्लफ्रेंड पे आ रहा, अपनी बीवी पे आ रहा, अपना फ्रेंड पे आ रहा, जिस पे भी आ रहा, तेरी सब करते करते मस्त एकदम। तेरे को किस पे आ रहा है, मम्मा पे? तो मेरे को किसी पे नहीं आ रहा। अरे ये देखो, ये है हमारी गौरी जो बन गई है मैडम। आज गौरी ने सूट पहना है, मम्मा की सैंडल पहनी है। गौरी क्या करने जा रही है, पढ़ाई करने जा रही है। चलो बाय। पढ़ाई नहीं करने जा रही, मैं ऐसे ही खेलती हूँ मम्मा के साथ, हर रोज भाभी वो कुछ आंटी आंटी मम्मी मम्मी ये कुछ बनने की मम्मा, और हम दोनों ऐसे ही करते रहते हैं। और अभी आ रही मैं, ओके गौरी। और ये वेदांत अब जब बना लेगा ना तब दिखाते हैं, फिलहाल इसको बना लेते। तो फिलहाल आप लोग ने किचन में देखा कि वेदांत ने बनाए हैं आज रसगुल्ला, और अभी वो डाल रहा है उसको शुगर सिरप में, और उसने अलग से बनाई है चाशनी। तो यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे आपको रसगुल्ले दिख रहे हैं, थोड़ी सी ही देर में हो जाएंगे एकदम बड़े बड़े, ज़्यादा बड़े नहीं, थोड़े से बड़े, और उसके बाद हम डालेंगे इसको चाशनी में। तो यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा हो गया, और अभी हम इसको डालते हैं चाशनी के अंदर, और इसको चाशनी में डिप करके रखेंगे, उसके बाद रखेंगे जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा, रखेंगे फ्रिज में। तो आज संडे स्पेशल है, तो आज शाम सुबह ही बोल के गए थे कि मैं आज बनाऊंगा आलू प्याज की सब्जी और टिक्कर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। आप लोग देखोगे तो आप लोग को भी मुँह में आ जाएगा पानी। तो हम लोग बस इसके बाद क्या करेंगे, किचन को थोड़ा सा क्लीन करेंगे और वेट कर रहे हैं शाम का कि वो आ जाए, और फिर हम लोग करेंगे लंच की तैयारी। तो फाइनली शाम भी आ गए थे ऑफिस से और चेंज वेंज किया, उसके बाद हम लोग को जो भी प्रिपरेशंस करनी थी वो सारी प्रिपरेशंस कर ली। तो खाना बनाने का जो एक ट्रिक होती है, वो एक तरीका होता है, एक्चुअली में ट्रिक नहीं तरीका होता है ना, वो बहुत ही अच्छा है। शाम का बहुत ही लाजवाब तरीके से खाना बनाते हैं। तो आज तो हमारे घर में दो दो शेफ़ आ गए थे, एक आ गया था मास्टर वेदांत और दूसरे आ गए थे मास्टर वेदांत के पापा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वेदांत ये सारी चीज़ें शाम के वजह से ही सीखे हैं, जीन्स के अंदर है वेदांत के, तो गॉड गिफ्टेड ही है, क्योंकि उसके पापा बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं
और वैसे ही विदान भी अपने पापा के जैसे देख देख के बहुत ही अच्छी कुकिंग करता है। चलो ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते हैं, फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे उन्होंने एक तरफ क्या कर रखा है, बॉईल करे हैं टमाटर, प्याज, अदरक और ग्रीन चिली, ये सारी चीज़ों को इन्होंने करा है बॉईल। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पनीर को बॉईल करा है, अरे पनीर को डीप फ्राई कर रहे हैं। पनीर डीप फ्राई करने की बात करेंगे, प्याज फ्राई करेंगे, आलू फ्राई करेंगे और उसके बाद बनाएंगे आलू प्याज टिक्कर। टिक्कर क्या है, एक अपना हम लोग ने करीब 1:15 बजे से स्टार्ट किया था कुकिंग करना और यहाँ पे अपने पनीर तो हो गए हैं एकदम डीप फ्राई, तो उसको एक बार हमने डाल दिया ठंडे पानी में ताकि वो रहे सॉफ्ट। और दूसरी तरफ हम कर रहे हैं आलू को डीप फ्राई, तो आलू डीप फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आलू थोड़े से ज़्यादा है, पनीर थोड़ा सा कम था, तो आलू भी हो चुके हैं लगभग फ्राई हमारे पूरे। और यहाँ पे अब तड़का लगाया जा रहा है, तो ये तड़का अभी ग्रेवी नहीं बन रही, अभी ये बन रही है लहसुन की चटनी। तो लहसुन की चटनी भी हो गई है अपनी तैयार ऑलमोस्ट, और अब यहाँ पे सारे खड़े मसाले निकाल दिए हैं जिसको इन्होंने फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस आ रही है पूरे घर में, बहुत अच्छा सा एरोमा हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यहाँ बीच बीच में विदान टंगड़ी लगा रहा है मेरे ब्लॉग के बीच बीच में आ रहा है। ये आ गया है बेजड़ का आटा जिसका बनेगी टिक्कड़, और बेजड़ के आटे का जो टिक्कड़ है वो बहुत ही लाजवाब बनता है, मोटी मोटी रोटियाँ बनती हैं और मस्त। घर का घी निकाला हुआ है आज, तो घर का घी और एक तरफ हमारी आलू प्याज की जो सब्जी है और इसमें पनीर भी डाला हुआ है, तो कलर आप देख रहे होंगे कितना लाजवाब आ रहा है, कलर देख के ही मन हो रहा है सब्जी जल्दी से खाना खाने बैठ जाए। तो फिलहाल बच चुका है 3, तो हम लोगों ने बना लिया है बटर मिल्क, एक तरफ चटनी हो गई, टिक्कड़ हो गया और पापड़ हो गया, और लेके बैठते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।